नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली में हवा हुई जहरीली, पॉल्यूशन से सांस लेना भी हुआ मुश्किल। पॉल्यूशन के कारण पांचवी क्लास तक स्कूल में छुट्टी कर दी गई, बच्चे लेंगे ऑनलाइन क्लास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन में दूसरी बार पहुंचे बिहार। जमुई के बल्लोपुर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल। पीएम ने बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपए का चांदी का सिक्का और 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट जारी किया। केंद्र ने वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से किया इनकार। इसको लेकर 10 नवंबर को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने केरल सरकार को लिखा था लेटर। इनमें उन्होंने कहा कि SDRF NDRF के मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं। झारखंड में गोड्डा में चुनावी सभा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोका गया। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई से सभा कर देवघर एयरपोर्ट आने वाले हैं, इसी कारण राहुल के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली। चंडीगढ़ में हरियाणा का नया विधानसभा भवन बनाने को लेकर हरियाणा पंजाब के सभी राजनीतिक दलों के नेता आमने सामने। आज पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस मुद्दे को लेकर पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से की मुलाकात। यूपी लोक सेवा आयोग ने किया PCS एग्जाम की तारीख का ऐलान, 20 दिसंबर को होगी परीक्षा। ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास और बड़ी खबरों की। हरियाणा को चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन के लिए 10 एकड़ जमीन देने को लेकर पंजाब और हरियाणा आमने सामने आ गए हैं। दरअसल हरियाणा में भाजपा की सरकार है, लेकिन पंजाब के भाजपा नेता ही इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने के मामले में सियासत नहीं थम रही है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पर बड़ा बयान भी दिया है। सैनी ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक है। साथ ही सैनी ने यह भी कहा कि पंजाब के CM भगवंत मान गलत राजनीति से ऊपर उठकर काम करें। आपको बता दें कि सैनी ने कहा कि मान ने पहले SYL पर पंजाब के लोगों को गुमराह किया, अब भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस मामले में दोनों प्रदेशों के नेता भी आमने सामने हैं। पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने PM नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि वह हरियाणा विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में भूमि का आवंटन रुकवाएं। हरियाणा के कई जिलों में धुंध का कहर लगातार जारी है। आज सुबह भी धुंध के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल चंडीगढ़ हिसार नेशनल हाईवे पर ट्रक से कार टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये लोग पुष्कर मेले से चीका के एक ही परिवार के लोग आ रहे थे। ये गाड़ी में 12 से 13 लोग सवार थे। जो हादसा गांव खरक पंडवा के पास हुआ, घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने मृतकों के शवों को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया, साथ ही घायलों को भी इलाज के लिए एडमिट करा दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के बाद विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर सिर्फ 4% ही रह गई है। इतनी बेरोजगारी सामान्य होती है। आपको बता दें कि करीब 10 साल पहले राज्य में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 7,75,000 थी, जो अब 4,40,000 पर आ गई है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं होता कि प्रत्येक पंजीकृत युवा बेरोजगार होता है। कुछ लोग खुद भी काम नहीं करना चाहते तो कुछ अपने बेहतर रोजगार की तलाश में रहते हैं। इसलिए इन आंकड़ों के आधार पर विपक्ष को ये दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए कि राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है। सैनी ने विपक्ष से जवाब मांगा कि जब कांग्रेस को पता था कि 2,00,000 सरकारी पद खाली है तो उन्होंने अपने कार्यकाल में इनको भरा क्यों नहीं। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सैनी वीरवार रात को विधानसभा में विपक्षी विधायकों के उठाए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 1,70,000 नौकरियां दी हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने 10 साल के राज में सिर्फ 86,000 नौकरियां ही दी थी। पहले नौकरियां बिकती थी, लेकिन अब योग्यता और मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाती हैं।
हरियाणा के 12 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। आपको बता दें कि पश्चिमी हरियाणा में राजस्थान के इलाकों जैसे सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम है। वहीं कुरुक्षेत्र, केथल, करनाल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद और चरखी दादरी में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर तक है। दरअसल मौसम विभाग ने 16 नवंबर तक हरियाणा में कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जहां 3 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिनमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार शामिल है। वहीं 9 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी है, जिनमें कुरुक्षेत्र, केथल, करनाल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, चरखी दादरी शामिल हैं। वहीं राज्य के 11 शहरों में मैक्सिमम वायु AQI 400 पार हो गया है। जींद में AQI 500 तक पहुंच गया है, जिसका मतलब है कि इसमें सांस लेने वाले व्यक्ति एक दिन में 20 से 25 सिगरेट पीने के बराबर धुआं अपने अंदर ले रहा है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।